Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And this time I am discussing issues over topics over curriculum. And this is a very important and recent topic over curriculum, that is integrated curriculum, or sometimes it has been also called as interdisciplinary curriculum. Okay, and the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you all. So let's start. First of all, ओके थोड़ा सा नीचे आ गया है मैटर, थोड़ा ज्यादा था. हिस्ट्री, अगर हम इतिहास जानना चाहें, इंटीग्रेटेड करिकुलम आजकल इतनी बात हो रही है, खासतौर से एनईपी के बाद, कि आपका करिकुलम इंटीग्रेटेड होना चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी, बहुत बात हो रही है. तो कहाँ से बातें इस तरीके की शुरू हुई? बाय द 1930s, 1930 के आसपास, द टर्म इंटीग्रेटेड करिकुलम हैड बिकम मीनिंगफुल एंड लूजली एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेसिव मूवमेंट. यानी कि 1930 के आसपास जब जॉन डीवी साहब, आपको पता होगा कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट के वो प्रणेता रहे हैं अमेरिका में, तो वो जब ये सब बातें कर रहे थे, उसी के आसपास इंटीग्रेटेड करिकुलम पे भी बातचीत होने लगी. और कहीं ना कहीं ये मतलब मोटा मोटा मान सकते हैं कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट का परिणाम है. वन ऑफ द फर्स्ट प्रोपोनेंट्स फॉर इंटीग्रेटेड करिकुलम वॉज जॉन डीवी. हमने करिकुलम की भी बिगिनिंग में पढ़ा था कि जॉन डीवी साहब करिकुलम के बारे में बात करने वाले पहले चिंतक हुए हैं. तो ये इंटीग्रेटेड, जब वो बात कर रहे थे करिकुलम पे, तभी इन्होंने इंटीग्रेटेड करिकुलम की भी बात की. इन हिज बुक एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, 1938 में जो इनकी किताब आई थी एक्सपीरियंस और एजुकेशन, सॉरी अनुभव एवं शिक्षा, उस पर उन्होंने ये बात की है. इन दिस ही रिफर्ड, इस किताब में ये क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स एज, उन्होंने कहा कि विद्यालयों में जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब एक विषय का कोई हिस्सा दूसरे विषय से कहीं छूटा नहीं है, एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से उनमें कोई जुड़ाव नहीं है. ये 1938 में कह रहे थे, लगभग 100 साल पहले की बात है. देखिए, अदर्स फॉलो इन द 1960s, अदर्स फॉलोड सच एज 1960 के आसपास ब्रूनर, 1966 में यूएसए में स्टेनहाउस, 1968 में यूके में भी यही बात कर रहे हैं. हु ऑल्सो बिलीव दैट नॉलेज शुड नॉट बी सिलोड, मतलब नॉलेज, ज्ञान जो है एक दूसरे से एकदम कटा हुआ नहीं होना चाहिए. मैनी नॉमेनक्लेचर्स आर ऑफन यूज फॉर इंटीग्रेटेड करिकुलम अप्रोचेज एंड आर ऑफन क्लासिफाइड इन टू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी, है ना. बहुत सारे इस पे नामकरण इसके चल रहे हैं, जिसमें से तीन ब्रॉड कैटेगरीज ये मुख्यतया बड़ी कॉमन है, मल्टी, बहु विषयात्मक, अंतर विषयात्मक और अनुशासनात्मक, और ट्रांस डिसिप्लिनरी. ठीक है, इन द 1970s फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम कहाँ से आता है, 1970 में दो प्रोमिनेंट और इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश एजुकेटर्स हुए, पॉल हर्स्ट और बेसिल बर्नस्टीन, बोथ रोट अबाउट करिकुलम इंटीग्रेशन, और इन्होंने पाठ्यक्रम के एकीकरण के बारे में लिखा है. विद बर्नस्टीन सजेस्टिंग एन इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रीवियसली इंसुलेटेड सब्जेक्ट्स और कोर्सेज टू सम रिलेशनल आइडिया. ये कह रहे हैं कि पहले वो विषय जो एकदम एक दूसरे से इंसुलेटेड है, मतलब एकदम विलगित है विषय, उनको किसी रिलेशनल आइडिया से जोड़ने की बात कही. मोर रिसेंटली The idea of curriculum integration has re-emerged as one of the key themes of 21st century learning. देखिए, कई आर्टिकल आपको मिलेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे तो curriculum integration या integrated curriculum को 21st century learning से जोड़ा है. क्यों? In this context, curriculum integration is most often linked with inquiry learning. क्यों? क्योंकि आप बहुत विषयों को जोड़ के पढ़ा रहे हैं, deeper learning हो रही है, हाँ, बच्चा engaged है, बच्चा active है, तो ये inquiry learning से भी कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है. The logic here is that in an authentic inquiry context, students need to draw on more than one subject to fully understand the topic. ये है बात जो छूट गई है, जो नहीं आई, नीचे चली गई है, to fully understand the concept, है ना. तो करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात जॉन डीवी करते हैं एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में 1938 में, कि विषय जो पढ़ाए जा रहे हैं विद्यालयों में वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह हैं, एक दूसरे से अलग हैं. वही बात कुछ कुछ ब्रूनर भी कहते हैं, स्टेनहाउस भी कहते हैं. और फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात आती है तीन ब्रॉड कैटेगरीज के तहत, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी और ट्रांस डिसिप्लिनरी. और करिकुलम इंटीग्रेशन की बात 1970 में दो प्रोमिनेंट इंग्लिश एजुकेटर, पॉल हर्स्ट और बेसिल बर्नस्टीन करते हैं. और अभी रिसेंटली ये 21st सेंचुरी लर्निंग से जोड़ा जा रहा है. ठीक है,
अच्छा, इसका कंसेप्ट और रैशनेल क्या है? कंसेप्ट इसका संप्रत्यय क्या है कि इंटीग्रेटेड करिकुलम इज द कंबाइनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ सेपरेट पार्ट्स और एलिमेंट्स इनटू यूनिफाइड होल। मतलब जो विषय अलग है उसको जोड़ के उसके आपस के समन्वय से हमने कोई एक एकीकृत संपूर्ण कुछ बनाया है। द इंटीग्रेटेड करिकुलम इज ए करिकुलम दैट डज अवे goes away होना चाहिए था, that goes away with the borders drawn around various subjects and relies on unifying concepts and holistic learning to connect diverse areas of study। तो विषय इतने दूर दूर फैले हुए उनको जोड़ के आप holistic learning concept देना चाहते हैं। Learning this way makes critical connections for students and cuts across subject matter to emphasize key concepts। जो key concept है उनको एक विषय से दूसरे विषय, मतलब आपने subject matter के cut across जा रहा है, सबसे जा रहा है वो विषय, वो topic। They aim to accomplish a greater level of critical thinking and understanding in students because the topics when taught together are mutually re-emphasized। इसका मतलब उद्देश्य क्या है कि हम बच्चों में, विद्यार्थियों में उच्च स्तर का critical चिंतन, तार्किक चिंतन develop कर सकें और जो समझ उनमें develop हो वो विशेष हो। क्यों? क्योंकि जब जब वो विषय पढ़ाए जाएंगे, हर विषय में वो टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वो re-emphasize होगा, क्योंकि आपने इसमें भी पढ़ा है, उसके दृष्टिकोण से भी पढ़ा है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ना जल का, आप उसको ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखिए, आप उसको लिटरेचर के दृष्टिकोण से देखिए, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखिए, आप उसको कितने विषयों से वो जुड़ा हुआ है। और रैशनल इसका क्या है कि ये मोर रेलेवेंट है, मीनिंगफुल है और स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम है, मतलब आपके लिए ज्यादा मतलब यथार्थ परक है, अर्थपूर्ण है और विद्यार्थी संकेंद्रित पाठ्यक्रम का ये हिस्सा बनता है। एंड द लर्निंग कॉन्टेक्स्ट क्लोज इन विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी रिट्रीव्ड। और आप कई विषयों को मिलाकर कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना भी आसान होता है। रीजनिंग एंड पर्पस अंडरपिनिंग करिकुलम इंटीग्रेशन। अगर हम इसके पीछे के रीजन को देखें, लॉजिक को देखें कि क्यों हम जोड़ के पढ़ें, क्यों करिकुलम का इंटीग्रेशन किया जाए, तो बहुत वो लॉजिकल है। कैसे? ट्रेडिशनल सब्जेक्ट बाउंड्रीज आर नॉट एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द वे द वर्ल्ड रियली इज। मतलब जो हम परंपरागत रूप से विषय पढ़ते हैं उनका जो बाउंड्री बनाया गया है वो एक्चुअली, संसार ऐसा नहीं है कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से मिलगी था, ज्ञान तो ज्ञान है एंड देयर फोर आर आर्टिफिशियल एंड नॉट कंड्यूसिव टू द लर्निंग रिक्वायर्ड इन द 21st सेंचुरी लर्निंग। देखिए फिर से 21st सेंचुरी आ गया। थ्रू सीआई इज देयर फोर कंसिडर्ड बाई मैनी कमेंटेटर्स इज मोर ऑथेंटिक देन सिंगल सब्जेक्ट लर्निंग। ठीक है, फिर इट इज मोर मोटिवेटिंग फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों के लिए ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है जब करिकुलम को जोड़ के आप पढ़ाते हैं, स्पेशली वेन कपल्ड विद पर्सनलाइज्ड इंक्वायरी लर्निंग, है ना। सब नए नए टर्म से ये इसका लिंकेज है। बिकॉज सी आई ड्रॉज ऑन मोर देन वन सब्जेक्ट इट विल लीड टू डीपर लर्निंग, है ना। और क्यों? क्योंकि चूंकि एक से ज्यादा विषय से आ रहा है ये कंसेप्ट हमारा, तो जो लर्निंग है वो सरफेस लेवल की नहीं हो रही, वो डीपर लेवल की हो रही है और गहरा आप सीख रहे हैं। CI यानी कि करिकुलम इंटीग्रेशन अलाइंस विद द करंट ट्रेंड ऑफ टीचर्स वर्किंग कोऑपरेटिवली इन शेयर्ड इनोवेटिव लर्निंग स्पेसेस विद लार्ज ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली। तो ये कोऑपरेटिव हिस्सा हो गया लर्निंग का, ये टीम टीचिंग का हिस्सा हो गया कि कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीम में पढ़ा रहे हैं, टॉपिक को अपने अपने विषय के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ा इसका रीजनिंग लॉजिकल आपको लगती है। ठीक है, फिर ये देखिए ये बड़ा अच्छा एक आर्टिकल में मुझे मिला तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। ये वाला एरो कहीं मिस हो गया, ये सामने इसके एरो था। ये है एक इंटीग्रेशन लैडर, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है कि कैसे आप कहां से एकदम आइसोलेशन से, देखिए बिल्कुल विलगित विषय से आप ट्रांसडिसिप्लिनरी हो जाता है। और ट्रांसडिसिप्लिनरी आप जब पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यहां विषयों की बाउंड्रीज का मर्जर खत्म हो गया है, सब मिल गया है आपस में। ठीक है, तो आइसोलेशन के बाद एकदम विलगित है, फिर थोड़ा बहुत आप अवेयर हुए, फिर थोड़ा बहुत आपने समन्वय सीखा, फिर थोड़ा और आप करीब आए दूसरे के, तो ये सब्जेक्ट डिसिप्लिन बेस्ड टीचिंग है। फिर आपने कोऑर्डिनेशन करने लगे, आप शेयरिंग करने लगे, आप कोरिलेशन सीख गया, आप एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके, मतलब एक टॉपिक को आप कई विषयों से पढ़ा रहे हैं और बढ़िया तरीके से आपने इंटीग्रेट कर लिया है, तो यहाँ से ये सब का, यहाँ से टेम्पोरल कोऑर्डिनेशन से लेके इंटरडिसिप्लिनरी तक क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिग्री अमंग डिफरेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन। वेरियस डिग्री ना, टेम्पोरल कोऑर्डिनेशन में सबसे कम है, इंटरडिसिप्लिनरी में डिग्री सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। और जो सबसे उच्चतम स्तर है इंटीग्रेशन का, जो कि ट्रांसडिसिप्लिनरी बन जाता है, यहाँ पे फुल डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन अमंग ऑल सब्जेक्ट। कोई भी विषय है उसने अपना अस्तित्व खो दिया है और दूसरे विषय में जाकर मिल गया है, तो उच्चतम स्तर है ये एकीकरण का। तो ये टूल फॉर करिकुलम प्लानिंग है, ये अच्छा लगा मुझे, तो मुझे लगा आपसे बताऊं। अच्छा ये है, अब दिख रहा है,
अब ये जान लेते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी जिसकी इतनी बात हो रही है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी का मतलब सिर्फ इतना है कि एक टॉपिक को कई विषयों के एंगल से पढ़ना, दैट इज विषय अपनी जगह इंटैक्ट है, विषय से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। ए मल्टीडिसिप्लिनरी करिकुलम इज मोर इंटीग्रेटेड, कंटेंट इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट आर स्पेसिफिक टू ईच डिसिप्लिन, हाउएवर द डिसिप्लिन शेयर ए कॉमन थीम और कांसेप्ट सच एज वाटर, वाटर का एग्जांपल मैं आपको दे रही थी। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी में आते हैं, यानी कि यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा और ज्यादा है। In an interdisciplinary curriculum, disciplines remain somewhat distinct. Discipline तो कम से कम अपनी जगह है, but their connections are stronger. लेकिन उनके जो जुड़ाव एक दूसरे के हैं, वो ज़्यादा हैं बजाय कि multidisciplinary के. Boundaries are blurred. कहीं कहीं boundaries blur हो रही हैं. When subjects are organized around a key interdisciplinary concept, such as sustainability. अगर आप sustainability ऐसा topic है, उसको आप sociology के point of view से पढ़िए, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं। और अराउंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स सच एज क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्पिटेंसी सच एज इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस। और जो सबसे उच्चतम है वो ट्रांस डिसिप्लिनरी है, टीचिंग मूव्स बियॉन्ड जस्ट टीचिंग अक्रॉस डिसिप्लिन्स यूजिंग कॉमन थीम्स टॉपिक्स और इश्यूज दैट डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज में वो थ्रेड है जो जा रहा है। Transdisciplinarity requires collaboration between disciplines to create a cohesive curriculum in which students collaborate to solve multifaceted problems. ये भी कहा जा रहा है कि जो 21st century है, जो world है, उसमें कौन जो problems है वो इतनी इतनी आसान नहीं है कि एक विषय से आप उसके हल ढूंढ लेंगे, आपको कई विषयों के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए भी कहा जा रहा है कि curriculum integration 21st century के लिए एकदम अनिवार्य है। Transdisciplinarity requires innovation, cooperation and intentionality. आपने intentionally किया है, जानबूझकर किया है, ठीक है। तो multidisciplinary विषय पास आए हैं, interdisciplinary में और पास आ गए हैं, कहीं कहीं boundaries blur भी हो रही है और transdisciplinary में boundaries बिल्कुल खत्म हो गई और इतना आप में cohesiveness आ गया है, ठीक है। स्टेप्स टू फॉलो टू डिजाइन करिकुलम इंटीग्रेशन, अगर हम करिकुलम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कौन से स्टेप्स फॉलो करें? सबसे पहले क्या करें, क्रिएट अ कंसेप्ट मैप फॉर द सेपरेट सब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू द टॉपिक एंड सी इफ देयर आर एरियाज ऑफ ओवरलैप और इनरिचमेंट पॉसिबल बाय आस्किंग व्हाट आर द की सब्जेक्ट कंसेप्ट्स एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज दैट यू वांट स्टूडेंट्स टू लर्न इन द टॉपिक। यानी कि हम एक कंसेप्ट मैप बनाएं और देखें कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कई विषयों से होकर गुजर सकता है, कई विषयों से संबंधित है, क्या कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और इस तरीके की की सब्जेक्ट कंसेप्ट से कंसेप्ट मैप बनाएं। फिर आइडेंटिफाई एनी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज एसोसिएटेड विद द की सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स, हमने की सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स ढूंढ लिए, अब हम ये देखेंगे क्या उससे जुड़ा कोई सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी है जो हर विषय से आप डेवलप कर सकते हैं। फिर कंसीडर द की कंटेंट थ्रू विच द स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसीज, फिर हम कंटेंट ढूंढे, फिर क्या करें, कंसीडर द ऑर्डर इन विच द कंटेंट विल बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स, फिर हम ये तय करें कि किस क्रम में ये कंटेंट बच्चों के सम्मुख जाएगा, हाउ द स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विद एक्सेस टू द नॉलेज, और लास्ट में कंसीडर हाउ यू विल असेस द टॉपिक टू आइडेंटिफाई हाउ ब्रिंगिंग टुगेदर द सब्जेक्ट हैज डीपेंड द लर्निंग और प्रोवाइडेड अ कॉग्निटिव एडवांटेज। हम ये मूल्यांकन करें कि जब हमने कई विषयों के थ्रू उसको पढ़ाया तो क्या कुछ एडेड एडवांटेज बच्चे को मिला या क्या लर्निंग ज्यादा डीपर लेवल की हुई है और उसको कैसे असेस किया जाएगा, ठीक है। फिर ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस हैं, लर्निंग टेक्स प्लेस बेटर, अचीविंग हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अवॉइडिंग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं है, हम उच्च स्तर के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन कर सकते हैं, लर्निंग बढ़िया होती है, लर्निंग इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव होती है, स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट ज़्यादा इंगेज रहते हैं, ये ज़्यादा ऑथेंटिक है, संपूर्ण आपको अनुभव मिलता है, एंड स्टूडेंट्स विद मोर फ्लेक्सिबल थिंकिंग पैटर्न्स आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल, उनके सफल होने की संभावना भी ज्यादा है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे लूजिंग सब्जेक्ट आइडेंटिटी, सब्जेक्ट अपनी आइडेंटिटी खो देगा, रिक्वायरिंग इंटर डिपार्टमेंटल प्लानिंग, आपको बहुत प्लान करके चलना पड़ेगा कई डिपार्टमेंट्स के तहत, जो बहुत मुश्किल है, और शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, एज यूजुअल वी हैव शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड फैकल्टी टू, तो मुश्किल है इसको करना, ये इसके डिसएडवांटेजेस है, मतलब इतना आसान नहीं है अगर आपने सोच भी लिया कि आपको इंटीग्रेट करना है तो। फिर एक इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड अपनी किताब में लिखते हैं द एम्स ऑफ एजुकेशन, जो फ्री प्रेस से पब्लिश हुई थी 1929 में, कितनी पुरानी बात है, सोचिए कितने विजनरी ये लोग रहे। ये क्या कहते हैं, द सॉल्यूशन व्हिच आई एम आर्ग्यूइंग
टू इरेडिकेट द फेडरल डिस्कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विच किल्स द वाइटैलिटी ऑफ मॉडर्न करिकुलम देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट मैटर फॉर एजुकेशन एंड दैट इज लाइफ इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस. वो कहते हैं कि मैं ये तर्क दे रहा हूँ कि आप इसको दूर कीजिए, ये जो घातक डिस्कनेक्शन ऑफ सब्जेक्ट है, मतलब ये जो फैटल है, घातक है, ये बहुत हानिकारक है कि जो हमने विषयों को एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से. ये क्या कर रहा है, हमारे पाठ्यक्रम का जो जीव द्रव्य है उसको मार रहा है, उसकी वाइटैलिटी को खत्म कर रहा है. वो कह रहे हैं कि केवल एक सब्जेक्ट मैटर एजुकेशन का होना चाहिए, मतलब शिक्षा में विषय सिर्फ और सिर्फ एक होगा, क्या, जीवन. उसी को पढ़िए आप रसायन के दृष्टिकोण से, बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, मैथ्स के दृष्टिकोण से, लिटरेचर के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोणों से. कितनी बढ़िया बात है. तो ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम या करिकुलम इंटीग्रेशन या ट्रांसडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, कैसे करिकुलम इंटीग्रेट किया जाएगा, किसने सबसे पहले बात की, क्या इंटीग्रेशन लैडर है, क्या उसकी हायरार्की है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस, और क्यों इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम को 21st सेंचुरी लर्निंग से जोड़ के चल रहे हैं. So I hope this lecture will be useful for you all. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.